आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पिता यशवंत सिन्हा के नजरिए की बेटा जयंत सिन्हा ने धज्जी उड़ाई, कहा नए भारत के लिए सबसे मजबूत आर्थिक नीति है मोदी सरकार की। विकास को मिली गति, गरीबों को होगा फायदा। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का बचाव करते हुए अपने पिता यशवंत सिन्हा को करारा जवाब दिया है। जयंत के पिता यशवंत सिन्हा ने बुधवार को एक लेख में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोप लगाया था कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा कर दिया है। जयंत ने पिता को काउंटर करते हुए लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कई सारे लेख हालिया दिनों में लिखे गए हैं, लेकिन वे सब छोटे तथ्यों पर आधारित हैं। इसमें फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से दूरी बनाई गई है। अर्थव्यवस्था में इससे सुधार आ रहा है। सरकार ने कई सारे ऐसे सुधार किए हैं जिसका फायदा आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे अपने लेख में नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, GST, नोटबंदी और डिजिटल पेमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजिंग प्रयास है। अभी तक टैक्स नहीं चुका रहे सेक्टर को टैक्स की श्रेणी में लाया जा रहा है। लंबी अवधि में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और राज्यों के लिए ज्यादा संसाधन उपलब्ध होगा। अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और GDP दर बढ़ेगी। अब सभी ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गए हैं। जयंत सिन्हा ने आगे लिखा कि सभी मंत्रालयों में नीतियां अब नियमों के आधार पर ही बन रही है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, स्पेक्ट्रम और उड़ान का पारदर्शी तरीके से ऑक्शन किया जा रहा है। दिवाला कानून से फंसी पूंजी का जल्द निपटारा किया जा सकेगा। इससे बैंकिंग सेक्टर को लाभ होगा और NPA में कमी आएगी। जयंत ने अपने लेख में लिखा है कि भारत 2018 तक 100% तक गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें रिकॉर्ड 133 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनाई जा रही हैं। यह 2014 में 69 किलोमीटर प्रतिदिन की तुलना में दोगुनी है। अफोर्डेबल मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी दी जा रही है। ये 2004 से 15 में 13.8 करोड़ की तुलना में NDA सरकार में बढ़कर 17.7 करोड़ पहुंच चुका है। वो आगे लिखते हैं कि हवाई कनेक्टिविटी में नाटकीय बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014 में जहां 10 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की थी, वहीं 2017 में 16 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की है। जयंत के लेख पर चिदंबरम का वार। इधर चिदंबरम ने एक के बाद एक ट्वीट कर जयंत के लेख पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि TOI में जयंत सिन्हा द्वारा लिखा गया लेख PIB प्रेस रिलीज की तरह है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि प्रशासनिक बदलाव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, अगर जयंत सिन्हा सही हैं, तो क्यों GDP में पिछले 5 तिमाहियों में कमी आ रही है। चिदंबरम आगे पूछते हैं कि अगर जयंत सिन्हा सही हैं, तो निजी निवेश में कमी क्यों आ रही है। इंडस्ट्री की क्रेडिट ग्रोथ क्यों नेगेटिव है। बिजली की मांग में कमी क्यों आई है। इस प्रकार मोदी सरकार की नई आर्थिक नीति पर पक्ष विपक्ष में घमासान छिड़ा हुआ है। आज के विशेष में बस इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आपका अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।